चलो सब भैन भाइयों सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। अज दी गल दे नाल नासर जमील हाजिर खिदमत है और हमेशा मेरे प्रोग्राम दे विच जिहड़ा है उह असीं गल करदे रहिंदे आ मसीही अकलीतां दे मसाइल दे उत्ते और खास तौर पर जिहड़ी इह साडे नाल ज़्यादतियां हुंदियां ने, जुल्म हुंदा है, परसीक्यूशन हुंदी है, असीं उत्ते गल करदे ने। पर इसे पाकिस्तान दे विच जदों असीं यौम आज़ादी जिहड़ा है पाकिस्तान दा मना रहे हां और अज असीं जिहड़े उह साडे स्टार्स जिन्हां दे चानण जिहड़ा है वह पूरी दुनिया वेख रही है और सानू उन्हां ते फखर है। पाकिस्तान दे उह सपूत जिहड़े मसीही ने पर पाकिस्तानी अजकल दे जिहड़े साडे नौजवान ने उन्हां वास्ते और खास तौर पर तमाम जिहड़े अकलीतां पाकिस्तान च वसदियां ने उन्हां वास्ते उम्मीद दी किरण ने और एक रोल मॉडल ने। अज असीं उन्हां नाल गलबात करांगे। मैं अज अपने नाल अज दी गल दे विच खुरम शहबाज साहब नूं जिहड़ा है मदू कीता है, बुलाया है, सद्या है, ब्रांच मैनेजर ने द बैंक ऑफ पंजाब दे लाहौर दे और चेयरमैन ने शहबाज वैलफेयर ऑर्गनाइजेशन दे और यंग मार्टन जिहड़ी वैलफेयर ऑर्गनाइजेशन मार्टनपुर दी है उहदे वी चेयरमैन ने। आओ उन्हां नाल गल करने आ और जानने हाँ भी उन्होंने सारा कुछ सारिया जिहड़ियां तरक्कियां ने इत्थों तक जिस तरह पहुँचे ने वह किस तरह पहुँचे ने। तो आओ खुरम शहबाज साहब नाल गलबात करने। जी खुरम साहब, बहुत बहुत जी आया अज की गल और खास तौर पर नैशनल न्यूज़ के जिहड़ा खसूसी प्रोग्राम असं कर रहे हैं यौम आज़ादी के हवाले ना, तुहानू बहुत बहुत वैलकम। सर थैंक यू। नासर भाई आपका वैसे भी थैंक यू, नेशनल टीवी और उनकी टीम का भी थैंक यू कि आपने मुझे मौका बख्शा है। बहुत अच्छा लगा है तुहानू मिल के, तो नेशनल टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। अच्छा खुरम भाई, असी आम तौर पर बड़ा गिला करने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जड़े मामलात ने जड़िया ज्यादतियां ने उन्होंने हवाले गिला करते रहने और साड़ी सुनी भी जाती है, एक दिन नहीं भी सुनी जाती और इस तरह रौला गौला असं पाई रखने। पर तुसी जिस तरह मैं इंटरव्यू दस्या है बई तुसी बैंक मैनेजर हो बैंक ऑफ पंजाब दे, तुसी केड़ी थां तों जे और इत्थों तक किस तरह पहुँचे हो? नासर भाई बेसिकली मैं मार्टनपुर दा, मार्टनपुर एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन पिंड है जिहड़ा पाकिस्तान दे विच बड़ा नाम है उहदा। मेरे वालद और वालदा दोनों टीचर सन और मैं मार्टनपुर तो ही मैट्रिक की थी, फिर एफ एस सी भी मैं ननकाना साहब तो की थी, बी एस सी उत्थे नहीं सी आई, बी एस सी वास्ते मैं लाहौर आना पिया, बी एस सी मैं लाहौर तो की थी। ते मैं बड़े अच्छे एक टीचर मिले और मेरे माँ बाप की एक तरबियत ऐसी सी, दोनों टीचर सन, उन्होंने एक शौक सी कि पढ़े लिखे, तो वो उस तरीके ने ही उन्होंने मेरी तरबियत की थी। मैं इत्थे आके फिर एम बी ए भी किया और ये माँ बाप का बड़ा शुक्र है उन्होंने दुआवां ना, फिर मैं जॉब मिल गई बैंक से, इंटर्नशिप की थी। इंटर्नशिप वास्ते भी यंगसनाबाद एक सीनियर सन, वो खुदा उन्होंने जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे सन, हरमंड जवेद भट्टी साहब, उन्होंने मैं इंटर्नशिप करवाई। उस दिन उन्होंने मैं ये गल कही कि अज इंटर्नशिप मैं करावगा लेकिन जॉब नहीं, जॉब तू आप ही ढूंढनी है। मैं क्या कोई ऐसा इशू नहीं है, माँ प्यो की दुआवां ने, पढ़ भी ले लिया है, चलो देखने। बहरहाल नो डाउट उन्होंने मैं अज भी वो गल रिपीट करना कि उन्हें कहा कि सिफारिश ना कभी काम नहीं होता, हमेशा नॉलेज होना चाहिए, अगर इंटर्नशिप ले आया तो काम सीखना है। तो मैं बड़े गौर ना बड़े तहमल का काम सीखिया, तो खुदा ने अज इतों तक मौका दिता है। 2007 तो मैं स्टार्ट होया बैंक से, तो अज 2021 आ गया, तो खुदा का बड़ा शुक्र है कि मतलब मैं बैंक ऑफ पंजाब 2016 च मैं ब्रांच मैनेजर बन गया हाँ और हूँ 2021 दे विच मैं AVP है, नेश असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। बहुत बहुत खुशी हुई मतलब ये गल सुन के कि तुसी इस तरह सारा कुछ किया, तुसी मार्टनपुर तो ही पढ़े हुए हो जी, लेकिन उसके बाद जाहिर है तुसी फील्ड च आए हो, जिहड़ी बैंकिंग दी जिहड़ी तुसी फील्ड चुनी है, तुसी अगर मैं अज दे नौजवान जिहड़े तुहानू वेखदे पए ने अगर वह जानना चाहन के एक अच्छा बैंक मैनेजर बनने वास्ते की करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, किन्ने किन्ने नंबर होने चाहिए ने, वो तो जरा दस्या जी। मेरे ते नंबर दा हिसाब अगर देखा जाए तो माँ बाप टीचर सन, इसलिए अच्छे नंबर आते रहे हर एक चीज। बी एस सी च मेरा A+ है, एम बी ए मेरा जरा बी पॉजिटिव सी, ओ बी प्लस सी, ओ बी मतलब मैं कहाँगा कि कम अज कम जरा 50 अबव होना चाहिए तुहाडे मार्क्स। और दूसरा सब तो बड़ी चीज़ एक इंट्रस्ट है, एक लाइन है बंदे की,
एक टारगेट होना चाहिए, जो भी तुसी कोई भी काम करते हो अपनी लाइफ से वो एक टारगेट जरूर बनाओ और उन्होंने चेज करो। दरम्यान च इधर उधर उदा कोई फायदा नहीं होता, जो जो तुसी टारगेट नू चेज करते हो तो तुसी उस मंजिल पर पहुँचते हो, अदरवाइज नहीं पहुँच सकते। मेरा एक टारगेट सी कि मैं ब्रांच मैनेजर बनना है। मैं ऑपरेशन चो जॉब स्टार्ट की थी, मैनू समझ आई कि शायद सुबह तो लैके शाम तक मैं इत्थे ही बैठना करना, कोई लाइफ नहीं मेरी ना सोशल। तुसी देखे अगे मेरा तारफ करा रहे सी कि मैं YMO यंग मॉडर्न वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उदा प्रेजिडेंट भी रहा और मैं अपनी शबाज वेलफेयर बनाई। ये बिल्कुल अगर ऑपरेशन जॉब मैं करता तो बिल्कुल टाइम नहीं, सुबह 9 बजे अंदर चले जाना तो मैं रात में ही आना 8 बजे। मैं देखता सा ब्रांच मैनेजर आंदा चला जाता आंदा चला जाता, कोई पूछ गिछ नहीं हैगी। नो डाउट बहुत सारी जिम्मेदारियां ने, जिस टाइम बंदा ब्रांच मैनेजर नहीं होंदा उस टाइम सोचता कि पता नहीं शायद वेला बंदा यही है शायद, लेकिन सब तो ज़्यादा बिजनेस उन्हें लैके देना है, ब्रांच की सैलरियाँ उन्हें करनिया ने, सारी चीज़ा यानी उन्हें ही करनिया ने, वो बहुत सारी जिम्मेदारी है। जो तो पाकिस्तान जैसे सर इन्हें और सर बतौरे मसीही तू कभी इस फील्ड किसी तरह की तसुब का किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन का या इस तरह का कोई सामना करना पाया हो कभी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सारे एजुकेटेड लोग ने और सब दे नाल बहुत प्यार मुहब्बत चल रहा है। हालांकि मेरे सबॉर्डिनेट ने बहुत सारे जिन्होंने कभी कोई प्रॉब्लम भी आती होगी, लेकिन कभी भी नहीं यहोजा कोई सीन या कोई ऐसा मौका भी नहीं मिलिया। मैं सारी ईद सैलीब्रेट करना उन्होंने नाल, अपने ब्रांच के केक काटना, इसी तरह 14 अगस्त का रखे प्रोग्राम, 14 अगस्त भी करा। 14 अगस्त खैर उन्होंने नहीं सारे का, 14 अगस्त तो साढ़ा भी है, इसलिए वो असी तो मैं तो कभी कह ही नहीं कि मतलब उन्होंने ही किसी का, क्योंकि असी सारे पाकिस्तानी हैं तो असी अच्छा, उसी तरह ही सैलीब्रेट करना। मतलब आम तौर पर अपने बच्चों को सुनना कि जी वो कोई क्रिश्चियन भी अगर कोई अगे मिल जाए, तुम हमने दसा कि कोई हरमन साहब ने जिन्होंने तुम ट्रेन किया, अपने हूँ तक किन्ने मसीही बच्चे या जो अकलीतों के बच्चे ने उन्होंने हूँ तक इंटर्नशिप के थ्रू ट्रेन कर चुके? मैं इंटर्नशिप तो कोई 5-7 लोगों को कराई है, लोग इंट्रस्ट नहीं लेंदे और मैं इसे वास्ते हमेशा अपनी वीडियो एक वायरल करना अपनी कम्यूनिटी की डिवेलपमेंट वास्ते, और मैं हमेशा चाहना कि सारे लोग तो नहीं आ सकते लेकिन जिन्हें लोग ने कोशिश करो जो बीकॉम करते हैं या अकाउंटिंग या इकनोमिक्स वाले इंट्रस्टड ने वो बैंकिंग साइड पर आन। साड़ियाँ जी बेटिया ने खास तौर पर साड़िया बच्चिया ने उन्होंने वास्ते बैंकिंग की जी जॉब है कैसी है? बैंकिंग जॉब बहुत अच्छी है, मेल फीमेल दोनों वास्ते बहुत अच्छी, एक सिक्योर जॉब है और बेनीफिट भी बहुत सारे ने। पाकिस्तान से मैं जो जॉब अजे नहीं करता सिर्फ दो सुनता हूँ सर, एक PIA और दूसरी बैंक, वो इसलिए मैं बैंक से इंट्रस्ट पाया। हूँ मैं हर बंदे नूं कहना कि बैंकर बनो यार। अच्छा, मैं सुनिया कि जो बैंक से काम करते हैं वो उन्होंने वो लोगों को मतलब कर्जे कुर्जे लैके दे सकते हैं, तो जे मैनू कोई इस तरह का कर्जा मिल जाए जेड़ा मैं भी सियासतदान वांगू माफ़ करा लाँ बाद, कोई इस तरह का कर्जा मैं मिल सकता? नहीं, वो सियासतदान ही करा सके ने, उदो कंप्यूटराइज दौर नहीं सी, हुण कंप्यूटराइज दौर है तो हुण सारा सिलसिला जो कंप्यूटराइज हो जाता, वो इसलिए हुण माफ़ होना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मतलब साड़ी वारी आई तो हुण माफ़ी कोई नहीं? नहीं, माफ़ी नहीं है। अच्छा, मैं तुहाडे कोल एक बड़ी अहम जिहड़ी गल है अपने इस प्रोग्राम दे विच दूसरे वास्ते खास तौर पर नैशनल न्यूज़ के व्यूवर्स जिहड़े हाले कैरियर च आ रहे हैं उन्होंने बारे पूछना चाहवागा, क्या तुसी समझते हो कि अगर कोई बच्चा या बच्ची जिहड़ी वो बैंकिंग सैक्टर च आएगी या आएगा है तो वो तुहाडे वांगू अगर मेहनत करे तो वाकई ना कामयाब हो जाएगा? जी बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होएगा। बैंक हर 3 साल बाद प्रमोट करता है, एवेल्यूएशन होंदी है उहदे काम दी, अगर वो काम कर रहा है तो उन्हें नहीं कोई भी रोक सकता। मैं काम कर रहा सा, मैनू याद है कि मैं UBL 2013 से ज्वाइन किया एज अ रिलेशनशिप मैनेजर और टॉप 2 RM दे विच मेरा नाम से पैम पाकिस्तान, जिहदा मैनू सिंगापुर का विजिट मिला, उत्थे विजिट किया बल्कि उत्थे अवार्ड हासिल किया सिंगापुर जाके, और दूसरा विजिट मैं आजरबाइजान का किया, इसी तरह तीसरा दुबई का किया। सो तो ये मेहनत के नाल फिर वो जरूर रिवार्ड मिलता तुहाडी मेहनत का, ये तो साढ़े वैसे भी खुदा ते भरोसा होए यकीन होए तुहानू ते कदी जवाब दे। शबाज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की काम करदी है? सर मैं कम्यूनिटी वास्ते काम करना वेलफेयर का, उहदे च बहुत सारिया लड़कियां ने जिहड़ियां सी मार्टिनपुर तो मैं अज बहुत सारिया नर्सरस बना चुकिया, जिहदे च
बनाने का परपज ए कि मतलब मार्क्स साढ़े को कम आते हैं जी, मैरिट तो असी नहीं आते, लेकिन खुदा का शुक्र है कम्यूनिटी के अलावा बहुत सारे लोग ने जोड़े अच्छे जिन्हों रिलेशन ने उन्होंने थ्रू इन्हों नर्सिस बनाए जो अज स्टाफ ने। मेरा एक चेन है, मैं चाहना कि अगर एक बंदा कामयाब होया तो किसी एक फैमिली पकड़े, उन्होंने एक बंदा पकड़े उन्हों कामयाब करे ताकि वो अपनी फैमिली कामयाब करे, वो अगों एक फैमिली पकड़े, क्योंकि असी हर रोज़ किसी ना खिला सकते हैं तो ना ही उन्होंने असी रोज़ का लैके चल सकते हैं, उन्होंने वो पैर तक खड़ा करना है। अच्छा एक होर मैं उदों तुम वेखी जाते हैं तो मैं तुम जरा दसो कि ते अपने बच्चों के तुसी किसे एक बच्चे नू कहोगे कि बैंक चावे या इस तरह के किसी काम चावे जिस तरह जी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। मेरी तो बहुत ख्वाहिश है, मेरी बेटी जड़ी है फिलजा वो इस टाइम ए लैवल कर रही है और जड़ी छोटी उदा मंडे तो ही ओ लैवल स्टार्ट होया है। मैं तो अपने वाले एजुकेशन इस टाइप की कर रहा कि वो मेरी तरह मेहनत शायद ना करनी पे उन्होंने और डायरेक्ट ही ब्रांच मैनेजर आन। हाँ इसलिए क्योंकि रिलेशन भी हो जाएगा, ब्रांच मैनेजर बेसिकली डिपॉजिट बैंक दे विच अक्सर टाइम दा बड़ा रौला गौला आंदा, लेट नाइट जाना पैंदा ते बेगम साहिबा ने कदी कोई अचानक उन्हां दे उत्थों कोई चीज कोई वेलना वगैरह कोई बज गया होवे अचानक किस तरह तरीके दी है? नहीं एक्चुअली एक तो मार्टिनपुर दी हुई है मेरे अम्मी अबू दी स्टूडेंट भी है दूसरा मतलब इतरा उन्हां दे इतरा कुछ नहीं कहंदे मैनूं कुछ नहीं कहंदे दूसरा जॉब है ओदे मुताबिक ही चलना है ना। जबरदस्त बहुत अच्छी गल है। मैं नेशनल न्यूज़ की स्क्रीन जड़ी है वो तुहानू पेश कर रहा, कोई मैसेज खास तौर पर इस जश्न आज़ादी और खास तौर पर 11 अगस्त के हवाले ना अगर पूरी दुनिया च वसन वाली पाकिस्तानी अकलीतों वास्ते तुसी कुछ कहना चाहते हो? मैं सब वास्ते यही कहूँगा कि हमेशा एक टारगेट लो, उन्हें चेज करो और वो वास्ते सोचो, मत इधर उधर दियाँ सोचो, कोई नहीं तुहानू कोई रोक नहीं सकता, जो तो खुदा ताड़े नाल है तो तुहानू नहीं कोई रोकता, मेहनत करो कोशिश करो बैंकर बनो नो डाउट, नहीं अगर ताड़ा सब्जेक्ट्स तो कोई वैसी गल नहीं, लेकिन एक फैमिली जरूर पकड़ो और उन्होंने कामयाब करो ताकि और उन्होंने कहो कि अगो एक होर फैमिली पकड़े, इस तरह चेन चलाओ और यदा चेन का मेरा हिस्सा भी बनो और कम्यूनिटी पूरी का हिस्सा बनो। अज के साथ कामयाब तारे जड़े सन वो खुरम शहबाज साहब साढ़े नाल सन जिहड़े के बैंक मैनेजर ने, असी उन्होंने जोड़े तजुर्बात ने उन्होंने भी डिस्कस किया, लैटर मूड के जी खानदानी गुफ्तगू है वह भी की है, तमाम जिन्हें भी सुनने वाले वेखन वाले ने उन्होंने गुजारिश है भाई जे तुम सा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स के जो भी तुम कहना चाहते हो शाबाश के अल्फाज या कोई होर अल्फाज वो तुम कहो, अगर तुम इन्हों रबता करना चाहते हो तो नैशनल न्यूज़ की स्क्रीन के उत्ते साडा नंबर जोड़ा है वो चल रहा है उत्ते रबता करके इन्हों का नंबर साढ़े को लै सकते हो और रबता कर सकते हो, और अगर तुम कोई शिकायत है या तुम चाहते हो कि अज की गल किसी होर अच्छे टॉपिक पर गल की जाए तो तुम प्लीज़ वो दसो, और अगर तुम प्रोग्राम पसंद आया तो इनू मजीद लोगों के नाल शेयर करो ता जो जी अच्छी गल है जी तुम अच्छी लगी है वह दूजे तक भी पढ़ सके। अज की गल इतने मुकाने रब रखा।